दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे। तो आप लोगों ने टेबल कर लिए होंगे। टेबल के बाद अब आता है हमें काउंट करना, जैसे यहाँ एक है हाउ मेनी, यहाँ चार फैंस दिए गए, ठीक है, उसकी आपको ब्लेड्स दी गई है। तो चलो हम काउंट करते हैं, एक ब्लेड में कितना है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, और इसमें भी, मतलब तीन तीन ब्लेड के चार फैंस हैं, तो मतलब 4 multiplied by 1 2 3 4, 4 multiplied by 3, each has 3 blades, ठीक है, तो 4 multiplied by 3 is equal to 4 3 4 1 4 4 2 8 4 3 12, तो आंसर इज 12 blades in 4। चलो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो each has 3 blades and total in all 12 blades, okay? Second one, 2 flowers each has dash petals. कितने flower petals है? 1, 2, 3, 4, 5. 1 flower each has 5 petals. तो यहां क्या आएगा? 5 multiplied by 2. 5, 5. 5 multiplied by 2 is equal to 5 1s are 5. 5 2s are 10. So each have 5, no? Total 10 petals. चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पेटल्स। अब हम दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे, आपको जो दूसरी एक्सरसाइज में जो दूसरे है उनको आपको अपने आप करना है इसी तरह से, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ कैप है, कितनी कैप है, उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो आपको टोटल यहाँ कैप काउंट करनी है, कितनी है, 1 2 1 2 2 plus 2 plus 2 is equal to 1 2 3 4 5 and 6, answer is 6, और इसी तरह से 1 2 3 1 2 3 3 plus 3 is equal to 6, मतलब 3 2 is equal to 2 3 उल्टा है, देखो यहाँ 2 2 के 3 गेट है और यहाँ 3 3 के 2 गेट के ग्रुप है, ठीक है, तो 3 2 is equal to 2 3, ये दोनों सेम आए, दोनों का आंसर सेम है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी काउंट हो सकता है, और 3 3 का 2 या 2 2 का 3, दोनों सेम होता है। उसी तरह से आपको उसमें पाइनएप्पल सब एक्सरसाइज वो करनी है। अब ये प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, 2 6 are 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3 are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 and 2 6s are 12, उसी तरह से आपको टेबल के ऊपर से ये प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर है 10 9s are, तो 10 9s are 19, फिर 3 2 8s are, हमने यहाँ से काउंट किया था 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 5 3 are, मतलब 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, तो इसी तरह से आपको सब वर्कशीट करना है, ये सब एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा सेशन। सेकेंड सेशन में देखेंगे मल्टीप्लीकेशन टेबल वाइज कैसे होता है। फर्स्ट जो ये एग्जाम्पल दिया गया है वो प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, आपको इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन करने में आएंगे एग्जाम में भी, और अगले नेक्स्ट जो भी आप स्टैंडर्ड में जब भी मेंस करोगे तो मल्टीप्लीकेशन आपको ऐसे ही करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ जो है वो क्या है, हमने देखा था इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन की साइन, जो क्रॉस है वो है मल्टीप्लीकेशन की साइन। जैसे आपको पता है ना प्लस की साइन ऐसी होती है, फिर माइनस की साइन ऐसे होती है, सब्ट्रैक्शन की ऐसी होती है, प्लस की ऐसी होती है, एडिशन के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं, इसी तरह से
मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारी साइन कौन सी है, ऐसी क्रॉस, ठीक है। तो ये है वंस प्लेस और ये है टेंस प्लेस। अभी हम लोग सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो टू फाइव जा टू, वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट एंड टू फाइव जा टेन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, टेन। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल थ्री फाइव जा, तो थ्री का टेबल आपको पता है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, ठीक है। थ्री थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड थ्री फाइव जा फिफ्टीन। अब दूसरा है टू डिजिट नंबर के साथ वन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाय टू। तो कैसे करते हैं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू 42। ये जो बड़ा नंबर होता है उसको आप इजीली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो 21 टू जा 42। आया समझ में आपको। अब जो हमें करना है वो क्या है, जैसे हमने स्टोरी सम किया था उसी तरह से स्टोरी के ऊपर से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो चलो हम पहला देखते हैं, वन पैकेट ऑफ ब्रेड कॉस्ट रुपीज टेन, मतलब ब्रेड का जो एक पैकेट है उसकी कॉस्ट है टेन रुपीज। अंजू बॉट टू पैकेट्स, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, अंजू ने टू पैकेट्स लिए तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ उसी तरह उसी फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ लिखते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे टेंस प्लेस और वंस प्लेस। अब कॉस्ट कितनी है, टेन रुपीज, और अंजू ने कितने पैकेट लिए, ये क्या है कॉस्ट ऑफ ब्रेड। अंजू ने कितने पैकेट्स लिए, दो पैकेट, टू पैकेट्स, ठीक है। यहां हम रख देंगे मल्टीप्लीकेशन की साइन, तो टू जीरो। मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज जीरो के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, जीरो। टू जीरो जा जीरो, जीरो के साथ अगर हम कोई भी मल्टीप्लीकेशन करें, सपोज हम लोग टेन मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो नॉट टेन। टेन मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो टेन आएगा, अगर टेन मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो टू मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड टू वन जा टू, तो अंजू को कितने पैसे देने पड़ेंगे, ट्वेंटी रुपीज, ठीक है। हम लोग ऐसे यहां ट्वेंटी रुपीज लिख सकते हैं, उनको टोटल ट्वेंटी रुपीज देने पड़ेंगे। दस 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 रुपए वाला एक ब्रेड का पैकेट हम दो पैकेट लेंगे तो ट्वेंटी रुपीज होगा। तो आपको पता चल गया मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। दूसरा, इफ देर आर थ्री एग इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी एग्स आर देर इन थ्री बॉक्स। एक बॉक्स है, हम यहां एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जो थ्री बॉक्स है, ठीक है। थ्री थ्री एग्स इन ईच बॉक्स, मतलब इसमें तीन तीन एग है, तब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं टेंस प्लेस और वंस प्लेस। अब एग कितने हैं, थ्री एग्स, थ्री एग्स इन बॉक्स और थ्री एग्स, यहां हम लोग कर देंगे मल्टीप्लीकेशन की साइन। तो थ्री थ्री जा नाइन, ये है आंसर, थ्री थ्री जा नाइन। यहां देखो क्रॉस चेक हम कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, मतलब एक एक बॉक्स में अगर तीन हो, जैसे तीन तीन के तीन बॉक्स होते हैं तो आंसर क्या आएगा, नाइन, थ्री थ्री जा नाइन। तो आपको पता चला टेबल जो हमने लर्न किए वो कितने
तो हम अच्छे से सब टेबल लर्न कर लेंगे तो हमें सारे मल्टीप्लिकेशन के जो सम्स है वो आपको आएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, आपको सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।